नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। मध्य प्रदेश में एसटीएससी एक्ट का विरोध, जो संशोधन है उसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये आपको विदिशा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। विदिशा पहुंचे एमजे अकबर को इसका सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है, यदि एक्ट में बदलाव नहीं किया गया तो इस इलाके में किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। विरोध की चपेट में मुख्यमंत्री शिवराज, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, प्रदेश के कई मंत्री, सांसद और विधायक आ चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज को सीधी जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, तो उधर ग्वालियर में भी मंत्री माया सिंह, भिंड में सांसद भागीरथ प्रसाद, मुरैना में मंत्री रुस्तम सिंह, अशोकनगर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना में केंद्रीय मंत्री थारव चंद्र गहलोत सहित कई स्थानों पर स्थानीय विधायक और सांसदों को काले झंडे दिखाए गए। प्रदर्शनकारियों ने नेताओं का घेराव भी किया और उनसे सवाल पूछा कि जब ये कानून संसद में पास हो रहा था, तब आपने सामान्य वर्ग के लोगों का ध्यान क्यों नहीं रखा। विरोध यही नहीं थमा। बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह, बाहर आओ के नारे लगाए गए, तो मंदसौर में रैली निकालकर विरोध किया गया। ग्वालियर से खबर है कि वहां 4 सितंबर को स्वर्णों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें देश भर के लोग पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर स्पार्क्स समाज सम्मेलनों में भारी संख्या में उपस्थिति कांग्रेस और भाजपा नेताओं के लिए चिंताएं बढ़ा रही है। स्पार्क्स समाज के संरक्षक हीरा लाल त्रिवेदी ने इन दिनों मध्य प्रदेश के जिलों का लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं। जिस तरह त्रिवेदी के कार्यक्रमों में भीड़ एकत्रित हो रही है, वो राजनीतिक दलों के लिए चर्चा और चिंता का विषय बन गई है। स्पार्क्स के संरक्षण हीरालाल त्रिवेदी का मानना है कि जिस तरह एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका हम विरोध लगातार करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर को प्रस्तावित बंद कर स्पार्क्स नैतिक समर्थन करेगा। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के लागू होते ही भिंड में पिछड़े वर्ग की एक महिला और जावरा में एक दुकानदार को झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज आज के साथ।